अपने बहुत ज़्यादा दुखी है, वो हर्ट हुई है चीज़ों से, और जो उसकी लाइफ में हो रहा था पहले और वो सब सहन करके उसने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उन सारी चीज़ों से। लेकिन आज फिर से एक बार उन चीज़ों को फेस करके अम्मी को फ़र्क पड़ गया और उसे इतना ज़्यादा रोना आ गया, तो वो अलादीन से हक करके रो रही, उसे बता रही है कि उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। एक्चुअली अपनी बता नहीं रही थी, अलादीन ने नोटिस कर लिया क्योंकि अपनी बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं रोक पाई। अलादीन का वो तो एक्चुअली जो हमने बताया था शो में भी कि अलादीन का कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई उसका है नहीं इस दुनिया में, तो वो अपना बैग में ही अपना सब कुछ, कपड़े, टूथब्रश, मग, सब कुछ लेके चलता है। तो वो जहाँ भी जाता है कहीं छोड़ता नहीं है कुछ भी, कि कहीं पे भी कुछ भी जगह मिलेगी तो वहीं पर डेरा जमा लेगा। ही इज़ अ कुंदरू, उसके पास कोई काम नहीं है। और अभी जो हम सीन कर रहे हैं वो तो एक्चुअली बहुत इंटेंस हो गया है क्योंकि अलादीन के पास पेरेंट्स नहीं है और उसे पता है कहीं ना कहीं ये अपने पापा से बहुत प्यार करती है। हालात ने ऐसा बना दिया है जिससे वो उनसे बहुत नाराज़ है और वो उसे खुद भी नहीं पता कि वो नफरत है या नाराज़गी है। तो अलादीन बस उसे यही कह रहा है कि यार चीज़ें हैं, गलत हुई हैं, बट प्यार है और जो भी है उसे निकाल दो, अंदर रख के कोई फ़ायदा नहीं है। सो बस यही हो रहा है। किसी के सामने इतना खुल के पहली बार अम्मी रो रही है और अम्मी को पता नहीं बेटर फील होता है या वो अभी भी थोड़ी दुखी होगी रोने के बाद, लेकिन फिर समझाते हैं, समझते ठीक हो जाएगी शायद। होता है ना, हर किसी को एक साथी चाहिए होता है अपना दुख शेयर करने के लिए। और जो इस शो का फॉर्मेट बनाया गया, अलादीन और अम्मी का जो कनेक्शन है वो एक दूसरे के लिए ही है। अलादीन को कहीं ना कहीं इसमें अपना बचपन दिखता है और उसे पता चलता है कि जो तकलीफ़ें मैंने झेली है, आज शायद ये बच्ची उसी तकलीफ़ में है। सो वो एक बॉन्ड है जिसकी वजह से आज अवनी पहली बार किसी को हक करके रोई है और उसे बता पाई है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। सो या इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन एंड वही देखने को मिलेगा हमारी ऑडियंस को।